Hello friends, welcome to my YouTube channel. I am Rajeev Singh. I hope that you will be safe there. जैसा कि आप जानते हैं कि first of all मैंने first दिन poetry का define बताया और lesson one का lesson writer number one से लेकर 10 तक बताया मैंने, ठीक है? Lesson number writer ने जो हर साल परीक्षा में 5 marks का आता है, कितने नंबर का आता है? 5 मार्क्स का आता है। तो फर्स्ट दिन मैंने पोएट्री का डिफाइन किया तीन विधि से, तीन तरीका से। उसके बाद लेसन में राइटर ने बताया जो परीक्षा में हर एक साल 5 नंबर का आता है, ठीक है? उसका तो वर्ड मैंने देखिए, ओरिजिनल ये बुक है रेबो पार्ट 2 जिससे लोग पढ़ाते हैं। इसमें प्रोज है, पोएट्री है, इसके बाद है ना, इसके बाद स्टोरी ऑफ इंग्लिश है, इंग्लिश कहानी और पतला बुक है, इनों से पढ़ना है। पहले आप पोएट्री पढ़ेंगे, ठीक है? देखिए मैंने वर्ड मैंने लिख रहा हूं, वियरनेस हो फिटर जेस्ट जोक भी बोलते हैं इसको, फेन Y-E-S-T-E-R-N-I-G-H-T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 -S
देखिए अब इतना लिख रहे हैं, थोड़ा थोड़ा लिख कर समझाते चलेंगे। वियरनेस, वियरनेस मीन्स थका हुआ। क्या होता है बाबू? थका हुआ। जहां भी दिक्कत होगा पूछिएगा। वियरनेस मतलब थका हुआ। होप, होप मीन्स आशा। क्या होता है? आशा। फिटर मीन्स उपयुक्त। जेस्ट, जेस्ट क्या है इसका? जोक है ना, मीन्स मजाक। फेन, फेन मतलब, फेन मतलब इसको लिख लीजिए फिर पूर्वक। फेन मतलब प्रसन्नता पूर्वक। एस्टर नाइट, पिछली रात, पिछली रात या गत रात, पिछली रात या गत रात। टीस बेस्ट, टीस बेस्ट मतलब सबसे अच्छा। क्या होता है? सबसे अच्छा। फिर से रिपीट करते हैं बाबू, ध्यान से देखिएगा, ठीक है? वियरनेस, वियरनेस मीन्स थका हुआ। होप, होप मीन्स आशा। फिटर मीन्स उपयुक्त। जीईएसटी, जेस्ट या जोक मीन्स मजाक। फिर मतलब प्रसन्नता पूर्वक है ना। एस्टर नाइट या लास्ट नाइट, पिछली रात या गत रात। टीस बेस्ट मतलब सबसे अच्छा। इसमें आगे है DESIRDI मतलब इच्छा। क्या होता है? इच्छा। लिखिएगा ध्यान से, जहां भी नहीं समझ में आएगा पूछिएगा, ठीक ना। है भय, एक्सप्रेस जर्नी, JOURNEY मतलब तीव्र यात्रा, यानी तेजी से यात्रा, तीव्र यात्रा। FEEBL फीबल, फीबल या फ्रेल। FRAIL फ्रेल या वीक मींस क्या होता है बाबू? कमजोर। क्या होता है? कमजोर। आगे देखिए, इसमें आगे है FORTUNE फॉर्चून। फॉर्चून मतलब भाग्य। फॉर्चून मतलब IGHESTS या मोन, MOAN मोन या ग्रोन, GROAN ग्रोन, मोन या ग्रोन मीन्स सिसकना या कराहना, कराहना, सिसकना या कराहना। एसाइड, ASIDE एसाइड, एसाइड मतलब अलग। क्या होता है? अलग। ALIVE मतलब जीवित, never, never means कभी नहीं, NEVER, never means कभी, never means कभी नहीं। fear means भय, spider journey मतलब, spider journey मतलब तीव्र यात्रा। feeble, feeble या frail, frail या means कमजोर। fortune, fortune 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 मतलब भाग्य। thirst या moon, moon या grown means सकना या कराना, ठीक है। aside, aside, aside means अलग। अलग मतलब जीवित। नेवर, नेवर मीन्स कभी नहीं। चलिए इतना लिखिए तो।
लीजिएगा, ठीक है बाबू। लिखने के बाद एक बार दो बार जरूर आप पढ़िए, है ना। है आगे लिखिए बाबू, डीके, DECY, डीके, डीके, डीके के बाद आया अनकाइंडली, अनकाइंडली, अनकाइंडली के बाद डिवाइनिंग, DIVINING, डिवाइनिंग, डिवाइनिंग के बाद स्टूडेंट DESTINY, इसके बाद है पार्टेड, PARTED। SPURS यानी मोटिव, MO। चलिए देखिए, डीके मतलब क्षय, क्षय या नष्ट होना, डीके मतलब क्षय या नष्ट होना, अनकाइंडली मतलब भूतिहीन, सहानुभूतिहीन, सहानुभूतिहीन, डिवाइनिंग मतलब दैवीय, दैवीय या दिव्य या भविष्यवाणी भी होता है, ठीक है। विष्णु मतलब भाग्य, भाग्य नियति, भाग्य नियति, ठीक है। पार्टेड, 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 LEFT, छोड़ दिया, ठीक है बाबू। और एक बार समझाएंगे, स्पर्श मतलब प्रेरित करना, क्या होता है, प्रेरित करना, और मैंने कोई है इसमें फियर, FEAR, फियर, फियर मतलब भय, भय या डर। चलिए मीनिंग समाप्त हो गया। फिर आगे देखिए, डीके, डीके मतलब क्षय या नष्ट होना, डीके, डीके मतलब क्षय या नष्ट होना, अनकाइंडली मतलब सहानुभूतिहीन या दयालुहीन, डिवाइनिंग मतलब दैवीय दिव्य भविष्यवाणी होता है, ठीक है बाबू। कृष्ण मतलब भाग्य या नियति, पार्टेड, पार्टेड यानी लेफ्ट मतलब छोड़ दिया, स्पर्श या मोटिव प्रेरित करना, और फियर, फियर मतलब भय या डर, वर्ड मीनिंग हो गया ना। इसके बाद आगे देखिए, इस लेसन में हम चार या पांच ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लिखवाएंगे, जो परीक्षा में नहीं जानते हैं जान जाइए, परीक्षा में हमेशा लगभग किताब से नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है, किताब से, ठीक है, और ग्रामर आता है। नॉट गुड, स्वीटेस्ट, स्वीटेस्ट मतलब मधुरतम या मधुर प्यार, मतलब सबसे मधुर प्यार, आई एम नॉट गुड, है ना, मुझे नहीं आता कहीं छोड़कर, ठीक है ना। देखिए इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप में OBJECTL, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस विद आंसर, ANSWER, आंसर, स्वीटेस्ट लव, आई डू नॉट गो इज रिटन बाय, मतलब स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो रिटन बाय या कंपोज बाय होता है, किसने लिखा या किसके द्वारा रचित है, ए में बाबू जॉन किट्स, ए में जॉन किट्स, बी में कमला दास, सी में जॉन डॉन, डी में नॉन। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज रिटन बाय, मतलब किसके द्वारा लिखा गया है, तो जॉन डॉन, ठीक मारिएगा, सी होगा जॉन डॉन। सेकेंड, जॉन डॉन वाज बॉर्न इन, मतलब इसका हिंदी हुआ जॉन डॉन, जॉन डॉन वाज बॉर्न इन, ए में 15, बी में 1572, सी में 1574, डी में 1575, तो जॉन डॉन वाज बॉर्न इन 1572, 72, जॉन डॉन डेड इन, मतलब मृत्यु कब हुआ है ना, ए में 1631, बी में 1639, सी में 1640, डी में नॉन।
डेट मिस में तू 1631 ठीक है। मेंस पावर, मेंस पावर मेंस मतलब आदमी शक्तिशाली का एज होता है, ए स्ट्रॉन्ग, वीक, सी में अननोन, डी में नॉन ऑफ दीज, डी में नॉन ऑफ दीज, इसमें वीक करिएगा ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ स्टेप बाय स्टेप लिखिएगा और याद करिएगा जरूर ठीक है। इसमें एक और लिखवाएंगे अभी फोर, जॉन डॉन बिलोंग्स टू, बिलोंग्स मतलब संबंध रखना है ना, बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू, ए में चाइना, बी में यूएसए, सी में लंदन, डी में ऑल, क्या होगा लंदन। आज का क्लास यहीं तक रहेगा, याद करिएगा वर्ड मीनिंग और ऑब्जेक्टिव, अगले दिन मिलेंगे जब हम लिख लिए ना फायदा लिखिएगा, मीनिंग याद करेगा, मीनिंग के बाद ऑब्जेक्टिव याद कर लेगा, नेक्स्ट जब वीडियो में हम डालेंगे तो सिक्स से लिखवाएंगे। और एक बात जरूर कहूंगा बाबू, स्टे होम स्टे सेफ, ऑल स्टूडेंट सब्जेक्ट योर माइंड लिसन केयरफुली, या घर पर रहें सुरक्षित रहें, अपने परिवार को साथ लेकर चलें और पढ़ने में भी विशेष मन लगाएं, ताकि घर पर बैठ के एंजॉय नहीं करना है और हॉलीवुड जॉलीवुड में रहना है, आपको पढ़ना है, हर स्थिति में आपको पढ़ना है। मानते हैं कि हमारे पूरे देश में विपत्ति है, लेकिन विपत्ति कारण ये नहीं हुआ कि आपको पढ़ना नहीं है, घर पर भी हैं तो क्या हम लोग नहीं पढ़ा रहे हैं, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से हम लोग पढ़ा रहे हैं ना। आप लोग पढ़िए, क्योंकि आपका पढ़ाई आप लोग का क्या है, जिंदगी है, अनमोल संपत्ति है ठीक है। तो देखिए इतना पढ़े, अगर पढ़ाई मेरा अच्छा लगे तो मेरे यूट्यूब चैनल को और लाइक एंड सब्सक्राइब करें ठीक है, और बेल आइकन को दबाएं या प्रेस करें ठीक है। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे हम। ऑल स्टूडेंट्स अ लॉट ऑफ थैंक्स।